सदन में उपस्थित फिलहाल मंच पर भी है मेरे छोटे भाई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरे सानिध्य में किया हुआ काम अभी से ओजस्वी कार्यकर्ता ओजस्वी वक्ता थे ऐसे श्री राजेश भदरी जी या क्षेत्र के विधायक हैं सामने बैठे विभाग संचालक जी श्री मनोहर लाल जी इस महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी वाजपेयी जी डॉक्टर अरुण वाजपेयी जी प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी सोनिका जी बीएसए कॉलेज के प्राचार्य महोदय अन्य शिक्षाविदगण जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं इस महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पढ़ते पढ़ते कोई मील का पत्थर स्थापित किया और गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया और जो नहीं इस दौड़ में आगे आ पाए लेकिन वो समझ ले कि गिरते हैं सहे सवार ही मैदान जंग में वो भी क्या गए जो घुटनों के बच्चे तो आप लोग प्रयास करते रहेंगे और कोशिश कभी ना कभी सफल होती है। यहां मैं देख रहा था जो प्रस्तुतिकरण किया गया जो वास्तव में शिक्षा का उपदेश होना चाहिए उसका प्रकटीकरण मंच से हो रहा था। इस मंच के माध्यम से मैं छात्र छात्राओं से और शिक्षकों से बात करना चाहूंगा। छात्र छात्राओं से ये हम कहते हैं विद्यार्थी परिषद एक नारा है आपने आप राजेश जी कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। दूसरा विभाषु दयाल ने भी लिखा है पथ स्वयं जो अपना प्रशस्त करे पथ स्वयं जो अपना प्रशस्त करे जवानी उसको कहते हैं जग बार बार दोहराए कहानी उसको। तो हमने देखा है जिन लोगों ने अपना पथ प्रशस्त किया और कहानी लिखी है जिसको आज तक याद करते हैं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है उसने स्वयं अपना पथ प्रशस्त किया। एक तैर के पार करने वाला नदी को पढ़ता है देश का प्रधानमंत्री बनता है लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हम सब जानते हैं। अभाव में पढ़ने वाला गुजरातीलाल नंदा बता है इस देश में मैं भी राजनीतिक नेताओं के नाम ले रहा हूं जो राजनीतिक शख्सियत रही इस देश की या विदेश में लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाला लिंकन बनता है विद्यासागर बनता है शायद विद्यासागर जी का नाम तो यहाँ कई लोग जानते नहीं होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेकिन बहुत बड़े विद्वान ये सब अभावों में भले बड़े लेकिन उनके जिजीषा थी विल पावर थी और उन्होंने जो कुछ किया आज हम याद रखते हैं वो कहानी बन चुका है लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है वो जवानी थी और उनकी कहानी थी जो आज हम बताते हैं। इसीलिए कहा कि पत्स्वर जो अपना प्रशस्त करे जवानी उसको कहते हैं जब बार बार मित्रों लॉर्ड मैकाले ने इस देश को शिक्षा पद्धति दी थी उसमें उसने कहा था जब वो यहां से चला था अपने देश पहुंचा था तो उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान देखिए उसकी भावनाओं को हमारे देश के विपरीत जा रही थी लेकिन उसकी भावना उसके देश के प्रति उसका अद्भुत
देशभक्ति का प्रकटीकरण कर रही थी कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जिससे आने वाले समय में हिंदुस्तान में काले अंग्रेज फैला। ये शिक्षा पद्धति दे के गया, वो चलती रही और नारे लगते रहे कि शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए, लॉर्ड मेघालय की भी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए। जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे कहते हैं हम बदलेंगे, लेकिन ना तो बदलने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, ना नारे लगाने के बदलने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन था जिसके पास एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। और उसके परिणाम क्या हुए? अभी भारत माता की जय बोलकर जो आपसे भाषण शुरू किया था राजेश जी ने, इस देश के अंदर वो लोग पैदा हुए जो ये कहते थे कि मेरे कर्म में तबाह कर तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं। ऐसे राजनेता पैदा हुए और उन्होंने और शर्मनाक स्थिति ये कि उससे भी नीचे उतर कर ये हुआ कि कई राजनीतिक दल मौन होकर उसका समर्थन कर रहे थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। एक और ये राजनेता और दूसरी और मेरा नेता मोदी लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर जब विदेशियों से भारत माता की जय बुलवा रहा था, मेरा सीना छक्का लीची का हुआ था। हर भारतवासी का सीना छक्का लीची का हुआ। यह एक नया परिवर्तन देखने को मिला भारत के उसमें। और क्या परिणाम था शिक्षा नीति का? जेएनयू जैसे संस्थान में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं और नारे लगाने वालों के लिए खड़े भी हैं। ये सब क्यों था? क्योंकि शिक्षा को जो देना चाहिए था वो छात्रों को नहीं मिल रहा था, इसलिए छात्र शक्ति दिग्भ्रमित हो रही थी। राष्ट्रभक्ति का जो पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था जैसे अभी यहां मंचन हुआ, जो सांस्कृतिक क्षेत्र जगानी चाहिए थी जैसे मंचन हुआ, वो नहीं जगाई जा रही थी। यहां तक कि मां सरस्वती के चित्र पर मुरली मनोहर जोशी जब हिंदुस्तान के मानव संसाधन मंत्री थे और दीप प्रज्वलित कराया गया था, तो सांप्रदायिक ये सब शिक्षा पद्धति में जब नए सिरे से बैठा गया, मेरे नेता मोदी ने एनईपी 2020 की पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और शिक्षा को संस्कार से जोड़ा है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा, शिक्षा को तकनीक से। पहले अतीत को भी याद रखो जो संस्कारित करता है उनको, और वर्तमान को भी याद रखो भविष्य लाना है तो तकनीक से ही। तो यह शिक्षा नीति अतीत को भूलने से ना तो वर्तमान समझ सकता है ना भविष्य समझ सकता है, वो जोड़ा गया संस्कार विहीन शिक्षा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि मानव के जीवन में संस्कार जरूरी है या शिक्षा? बड़ा धर्म संकट वाला प्रश्न। स्वामी जी कुछ देर मौन रहे और बोले संस्कार युक्त शिक्षा की जरूरत है जो यहां मंच पर दिखेंगे। संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए, वह दी गई है एनईपी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा को संस्कार से जोड़ा है,
रोजगार भी चाहिए, रोजगार से जुड़ा है। मात्र देव भव, पितृ देव भव, गुरु देव भव, ये तो हमारे संस्कृत साहित्य युक्तियां बताती थी, लेकिन राष्ट्र देव भव ये कौन बताएगा? शिक्षा बताएगी। आप लोगों ने विवेकानंद जी को नहीं पढ़ा होगा, कौन पढ़ना है, कौन से कौन पढ़ेगा? विवेकानंद जी के विचार देखिए, विद्वान लोग विचार देते हैं, देश कालबद्ध परिस्थिति के हिसाब से विचार देते हैं, कुछ काल वाय हो जाते हैं, कुछ काल त्याग हो जाते हैं, या जो कहीं अपनी प्रखरता को खो देते हैं जब वो वातावरण बदल जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के विचार चिर यौवन विचार कहता हूं मैं, चिर यौवन विचार, चिर प्रेरणा देने वाले विचार, आज भी उतने प्रसार है जितने 50 साल पहले कभी उन्होंने कहा होगा। तो कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों तक हिंदुस्तान के नौजवानों को भूल जाना होगा कि उनका कोई राष्ट्रदेव, कोई इष्ट देव या इष्ट देवी है। एक ही याद रखना होगा, अगर इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र, और इष्ट देवी है तो भारत राष्ट्र। आज भी ये उसे मिला देता है हमको, उनका विचार जो 50 साल पहले 100 साल पहले दिया होगा वही ऊर्जा आज भी देता है। इसलिए मैं उनके विचारों को जोर कहता हूं। तो ये शिक्षा कहां से मिलेगी राष्ट्रभक्ति? शिक्षा से। शिक्षा जब हमको राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव की भावना देगी, तब आने वाली नस्लें भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कैंपस से नहीं गुजरेंगे, तो भारत माता की जय होगी। यह समझाना होगा हमको। शिक्षक और गुरु, अभी तक मैं छात्रों से बात कर रहा था, थोड़ी सी शिक्षकों से भी कर लू। बहुत कठिन है डगर पर शिक्षक से गुरु बनना। मैंने भी पहली क्लास से बीएससी किया, एमए किया, लॉ किया, लेकिन तीन लोग मुझे याद है, एक नेगेटिव रूप में, एक दो पॉजिटिव। जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक जगन्नाथ पंडित जी पढ़ाते थे, हफ्ते में एक दिन वो हमको पाठ्यक्रम में नहीं था, गुरु भक्त बालक, पितृ भक्त बालक, मातृ भक्त बालकों की कहानी सुनाते, पूरे कागज पर अवचेतन में लिख गया है तब से अब तक, हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, माता की भक्ति करनी चाहिए, पितर की भक्ति करनी चाहिए, राष्ट्र भक्ति के। क्यों कहा है तुम देवता? गुरु को देवता क्यों कहा गया? माता पिता को देवता क्यों कहा गया? ताऊ जी को देव क्यों नहीं कहा गया? भाई को देव क्यों नहीं कहा गया? चाचा जी चाची को देव क्यों नहीं कहा गया? पुत्रात् शिष्यात् प्राजयम्, पुत्र और शिष्य ही काम के लिए कामना करता है कि हमसे आगे जाए। निस्वार्थ से ही पूरे रिलेशन है, कोई संबंध है तो ये है, या प्रतिस्पर्धा नहीं है, या आगे बढ़ाने की स्वभाव है, व्यवहार है। तो जगन्नाथ पंडित जी पढ़ाते थे हमको, वास्तव इंटर में आए एक फिजिक्स के हमारे लेक्चरार थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका, हालांकि अब तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन फिर भी वो हमसे कहते थे योगेंद्र कराओ, क्या गुरु जी तुम्हारी बहुत चिंता है, क्या हो गया? अरे ट्यूशन कर लो, नहीं तो फेल हो जाओ। वो ट्यूशन फेल होती, या सुनकर ही बैठी
ये पढ़ाती है गरीब बच्चों, फिर बच्चों को पढ़ाती है गरीब बच्चों करना हो और वो ट्यूशन के लिए बुला देते। एजुकेशन इज ए मिशन नॉट प्रोफेशन। जब शिक्षक ये भूल गए तब शिक्षा का स्तर क्या है। बीएससी में हमें पढ़ाते थे मैथमेटिक्स जीसी शर्मा जी। जब मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना राजेश जी, अखबार में छोटा सा फोटो भी आया भाई, बड़े अखबार में छोटा सा, तो सबने जब कॉलेज कैंपस को गया तो छात्र नेताओं ने, छात्रों ने लेक्चरर से बधाई दी। ये विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के तुम शहर के मंत्री बने हो। जीसी शर्मा साहब ने बुलाया मुझे अपने चैंबर, मुझसे बोले क्या होता है नगर मंत्री, अब एक जिसको जो हमें पढ़ाते हो और कोई प्रश्न पूछे जिसकी आपको अपेक्षा ना हो, तो मैं भी सरपटा सा गया। मैंने जवाब दिया ऐसा है कि छात्र हितों के लिए संघर्ष करना, छात्र समस्याओं के लिए संघर्ष करना, उनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करना। बोले नहीं। फिर मैंने कहा कि आगरा के हर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की इकाई गठित हो जाए, ये प्रयास करना। बोले नहीं। तो मैंने कहा आप ही बताओ, मैं आपसे आगे नहीं इससे ज्यादा बोल सकता। तो उन्होंने जो वाक्य मुझे दिया जो आज तक मुझे याद है, उसमें अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। और हमारे समय की जो हम विद्यार्थी परिषद में तो सभी विद्यार्थी परिषद आज भी 35 साल बाद याद की जाती है आगरा में, बल्कि पूरे प्रदेश में। उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया उसको कि जो भी करना ऐसा करना इतिहास लिख जाए, इतनी बड़ी लंबी लगी इतनी जगह कोई भूल। इसलिए मैं उनको गुरु मानता हूं। तो आप सबका काम है कि छात्रों को छात्राओं को दिशा दे, नहीं तो गुरु का गुरु कहलाने का शिक्षक है। शिक्षक हम भी शिक्षक जो शिक्षा दे वो शिक्षक हमारे यहां तो शिक्षा जड़ चेतन से मिली है। वृक्ष फल नहीं खाते दिन अभिवे नीर पर भारत के कारण साधु धरा शरीर। हम तो शिक्षा नदी और पेड़ों से भी मिलते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तिरूर। ये भी एक संदेश हम लेते हैं पेड़ों से। शिक्षक हर कोई भी हो सकता है, लेकिन दूर बनने का प्रयास करता है। मैंने जैसे कहा बहुत कठिन है नगर परिषद की, लेकिन बहुत आसान भी है, उसमें खर्चा नहीं होता, लेकिन जज्बा पैदा करना पड़ेगा। जज्बा पैदा क्यों नहीं ये सिखाते कि इस देश के राणा प्रताप बनो, शिवाजी बनो, भगत सिंह बनो, भगत सिंह चाहिए इस देश को, लेकिन मेरे घर नहीं पड़ोस में। ये भाव रखो। आज लोगों ने याद करते तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आप देश कर देखो नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। आज तक उनका नाम लोग हैं याद कर, ये शिक्षा देनी चाहिए। पढ़ाना है हमारा कर्तव्य, लेकिन उससे हटकर राष्ट्रवाद का अलग जगाने का भी एक लेक्चर आप लोगों को देना चाहिए। नई शिक्षा अधूरी है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा यहां के स्टाफ को, तो मंजूर किया यहां पर
उन्होंने सिखाया है कि पाठ्यक्रम से अलग अलग रखकर शिव तांडव देख रहा था, दुर्गा जी की अर्चना को सुन रहा था, उसमें नाट्य हो रहा था, देशभक्ति का हुआ, तो सब ये सिखाए कि उनको प्रस्तुतिकरण से कराया जाएगा तो मन में भावना पैदा होंगी। जब हम रानी लक्ष्मीबाई का कभी मूर्ति देखते हैं पीठ पर बच्चे को सवार, बड़े बस सवार, तो स्फूर्ति से मन तेजस्वी हो जाता है, मन आगे बढ़ जाता है कि ये हमारे शौर्य पुरुष रहे, ये शौर्य लगा रहे। उनके बारे में कितने लोग जानते हैं गार्गी महाराज, वे अरुंधति मंडल ऋषि पत्नी कितनी विदुषी महिला रही है इस देश में। शिक्षा ने नहीं बताया, अब शिक्षा बताएगी, क्योंकि शिक्षा संस्कार से जुड़ने वाली मेरे देता वो भी नहीं। पूरा देश का परिवर्तन कर दिया, फिजा बदल, सोच बदल दी गई है विदेशियों की। अभी कुछ दिनों पहले मैं पेरिस गया था, नीदरलैंड गया था, पेरिस मेरे जीजा जी जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे, वो भी कभी गए थे 20 साल पहले, तो बोले वहां पर थोड़ी बड़ी हिकारत से देखते हैं भारत। तो कहोगे कि वी आर इंडियन, ऐसे उपेक्षा से देखिए, ठीक हो सकता है। मैं पहुंचा, जो अपना काम था किया, वहां की एक फेमस दुकान है परशुम की, वहां गया। देखिए उन लोगों के जज्बे को, पहले वो फ्रेंच में बात करते, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। अगर कोई विदेशी फ्रेंच बोलना जानता तो फ्रेंच में बात करेंगे, नहीं बोलना चाहेगा तब वो इंग्लिश में बात करेंगे। ये जज्बा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ मानसिक गुलामी ये है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो विद्वान है और जो हिंदी बोलना चाहते तमाम विद्वान हो। ये लॉर्ड महंगा ले देखेंगे हमको, जो अभी तक नहीं लिखी थे दिमाग से। खैर पहुंचा तो उसने मुझे फ्रेंच में बोली, क्या चाहिए आपको, मैं समझ में आया तो बोल फ्रेंच क्या बोली वो, आई वांट परचेस परफ्यूम्स ऑफ परफ्यूम्स। बगल में एक आदमी खड़ा था, बोले यू आर फ्रॉम, मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, from Modi Sandri. Oh, welcome, welcome. ये दिया है Modi. तो जब ठान ले कोई, तो 7 साल में बदल दिया, पूरा प्रदेश बदल दिया उसके अंदर। आज मेरा नेता बोलता है, दुनिया सुनती है, वो कहता है, दुनिया मानती है। ये तो मित्रों बात तो बहुत सी करना चाहता था, लेकिन टाइम भी बहुत हो रहा है, मुझे आगे भी जाना है। आप सबसे माफी मांगूंगा जल्दी निकलने के लिए, और भी कार्यक्रम है। आपने यहां मुझे बुलाया, इतना अच्छा मंचन देखने को मिला, इसके लिए मीनाक्षी जी का आभार, अरुण जी का आभार, और आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।